नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.73 लाख नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना से देश से लगभग सभी राज्य प्रभावित दिख रहे हैं, लेकिन सबसे खराब हालत महाराष्ट्र दिखाई दे रही है। कोरोना के आंकड़े के मुताबिक महाराष्ट्र में हर मिनट 2,859 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं और हर 3 मिनट में एक मरीज की मौत हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 68,631 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 68,000 को पार कर गई है। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 38,39,338 हो चुकी है। नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य के मृतकों की संख्या भी बढ़ गई है। राज्य में रविवार को रिकॉर्ड 503 मौतें दर्ज की गई, जिसके बाद राज्य में मृतकों की संख्या 60,000 पार कर गई है। बता दें, महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए अब अन्य राज्य से आने वाले लोगों के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी है। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रसार रोकने के लिए रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत 7 राज्यों को संवेदनशील घोषित किया गया। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे के हस्ताक्षर वाले एक आदेश में केरल, गोवा, गुजरात, दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राजस्थान और उत्तराखंड को संवेदनशील स्थान घोषित किया गया। आदेश के अनुसार इन 6 राज्यों से महाराष्ट्र आ रहे यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने से 48 घंटे पहले कराई गई RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।